So good morning and welcome back to my channel. And if you are new here, then please watch the video till end. और अगर आपको अच्छी लगेगी तो please subscribe कर देना. तो अभी बजने वाले हैं जी 12 और अभी जो है अभी मैं नहा धो के सारा कुछ काम कर दिया हुआ है, बर्तन वगैरह भी साफ कर दिया, झाड़ू भी लगा दिया हुआ है और सारा कुछ कर दिया है. दिव्यम भी सो के उठ गया एक बार फिर से और अभी मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग की शुरुआत करते थे, तो अभी मैंने कर दी है. और ये कुर्ती, इस कुर्ती का मैं रिव्यू डाल दूँगी. ये मैंने मीशो से मंगवाई है, कितने की मंगवाई है तो ये फिर मैं आपको बता दूँगी. ये वही फीडिंग कुर्ती है जो कि बहुत कम्फर्टेबल होती है फीड कराने वाली जो भी मदर्स हैं उनके लिए. तो फिर अभी जो है अभी मैं आई हूँ पपीता काटने, दादू को देना पपीता काट के और ख़ुद भी खाना है और दिव्यम को भी देखते हैं कि वो खाएगा कि नहीं खाएगा. तो चलो वीडियो को स्टार्ट करें. आज का सुविचार है कि कोशिश करते रहना चाहिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही बहुत कीमती होता है. तो फिर चलिए इसी सुविचार के साथ आज का ब्लॉग शुरू कर देते हैं और चलते हैं, आप करते हैं शुरू. बाल बहुत इरीटेट कर रहे थे इसलिए मैंने जो है इसको टाई कर लिया है और अब मैं जो है पपीता काट लेती हूँ पिता. और ये रही छुरी, अब मैं काट लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको उसके बाद. तो ये है दादू के लिए और ये है मेरे लिए, मेगा रंजी के लिए और ये दिव्यम के लिए अगर वो खाएगा. तो अभी मैं दादू को दे के आती हूँ फिर हम खाएंगे. और क्योंकि दिव्यम बहुत रो रहे हैं अभी, अब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा सारा काम. खा जाओ वाटरमेलन खाऊंगा मैं. क्या वाटरमेलन यहाँ है देखो, क्या खाऊंगा मैं और दिव्या हैंडशेक कर दो. शाबाश चला दो. हाँ मामा ऐसे ही चलता है ये. गुड, वेरी गुड. अभी यहाँ चलेंगे मुझको. ओ
खोल रहे हो इसको खाने के लिए, इसको नहीं खाते। टिड्डू जैसा, चला दो इसको, चला दो इसको। पीछे हो जाओ, पीछे बैठो सीधे।